नमस्कार दर्शकों कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका फिर स्वागत है आज हम बात कर रहे हैं जिले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उसकी गतिविधियों पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल श्री एस पी एस बुंदेला जी सर कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू थैंक यू मैम दर्शकों जैसा कि हमारा आज का विषय है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उसकी गतिविधियां तो हम आपको बता दें कि आज हम खास तौर से बात करेंगे जो जिला विधिक सेवा द्वारा गतिविधियां की जाती हैं उनके जो भी कई योजनाएं होती हैं हम उस पर विशेष तौर से बात करेंगे कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम लाइफ फोन इन कार्यक्रम है और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं हमारा टोल फ्री नंबर है वन एट डबल जीरो टू डबल थ्री डबल जीरो फोर जीरो दूसरा नंबर है जीरो सेवन डबल फाइव टू डबल सिक्स डबल जीरो फोर नाइन टेलीफोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें वन एट डबल जीरो टू डबल थ्री डबल जीरो फोर जीरो 07552660049 आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य क्या है प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य न्याय सभी के लिए प्राप्त होना चाहिए जी हमारे समाज में बहुत से वर्ग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से और किसी न किसी निरुकता से पीड़ित हैं हमारा उद्देश्य होता है कि ऐसे व्यक्तियों को जी हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निशुल्क और सक्षम विधिक सहायता उपलब्ध कराएं और हमारी ये संवैधानिक भावना भी है कि जो निरोगता के अधीन जो व्यक्ति हैं वो किसी कारण से किसी निरोगता के कारण से उनको न्याय से वंचित नहीं किया जाए तो मुख्य रूप से प्राधिकरण का यही उद्देश्य है कि गरीब और वंचित लोगों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सहायता प्रदान कराना इसी उद्देश्य की पूर्ति को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है और सभी प्राधिकरणों की स्थापना का सिर्फ एक ही उद्देश्य है हमारा जो कॉमन पीपल है जो हमारा वंचित व्यक्ति है जो समाज की मुख्य धारा से बहुत दूर है उन सबको जो है न्याय से वंचित ना होना पड़े उस प्रक्रिया में उनको हम मदद कर सकें जी सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित ना हो आर्थिक रूप से सक्षम ना होने पर या किसी तरह में यदि वो सक्षम नहीं है तो वो न्याय से वंचित ना रहे बहुत अच्छा उद्देश्य है सर जो जिले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है उसके अंतर्गत प्री अरेस्ट प्रोटोकॉल संबंधी कोई योजना है ये योजना क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं कि मैम ये जो योजना है जी ये संपूर्ण भारतवर्ष में लागू है जी और नालसा की इस योजना के अंतर्गत जी। हम लोगों को अभी तक आपने देखा होगा कि जब मामला न्यायालय के समक्ष विचारण में होता है जी। तब लोग जनरली हमारे पास आते हैं जी। हम उनको पात्र होने पर निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराते हैं जी। जमानत के समय रिमांड स्टेज पर भी हम उनको जो है जमानत विधिक सहायता उपलब्ध कराते हैं जी। प्री अरेस्ट जैसा कि इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा गिरफ्तारी के पूर्व जो प्रक्रिया है गिरफ्तारी के पूर्व अनुसंधान होता है जी, पुलिस जो है किसी व्यक्ति को सस्पेक्ट के रूप में अपराधी के रूप में जब काल करती है या थाने में नोटिस दे के बुलाती है जी, तो ऐसा व्यक्ति जिसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता जी, वो एक साधारण सा हमारा जो समाज का व्यक्ति है जी, वो एकदम से डर जाता है माध्यम से हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जब अरेस्ट के पूर्व विचारण उसके अनुसंधान के दौरान कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को सस्पेक्ट के रूप में या उसको जो है अपराधी के रूप में या अनुसंधान में अन्य सहयोग के लिए तलब करते हैं और ऐसा व्यक्ति यदि ये कहता है कि नहीं हमको जो है निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए तो मैं ऐसे व्यक्तियों की मदद के लिए भी जो है पैनल लायर उपलब्ध कराते हैं और विधिक सहायता उनको निःशुल्क प्रदान की जाती है इसका सिर्फ एक उद्देश्य है कि जनरली कई बार एलिगेशन होते हैं हमारे कि थर्ड डिग्री प्रयोग हो रहा है तो इस तरह की चीज़ों को जो है हम संपूर्ण रूप से समाप्त करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि कॉमन पीपल जो व्यक्ति हैं समाज में जो लोग रह रहे हैं वो अनुसंधान एजेंसियों को मदद करें और किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है यदि वो सही है उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो कोई समस्या नहीं है तो प्रियर प्रोटोकॉल का सिर्फ पर्पज इतना है कि हम लोगों को विचारण के पूर्व गिरफ्तारी के पूर्व अनुसंधान के प्रक्रम पर लोगों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सहायता उपलब्ध कराते हैं जी सर बहुत अच्छी <laughs> योजनाएं हैं और हमें लगता है कि इससे बहुत लोग लाभान्वित होंगे और एक जो डर और एक जो पीड़ा होती है उससे बच सकेंगे सर जो गरीबी उन्मूलन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवा योजना क्या है तो राज्य का वेलफेयर हमारा जो स्टेट है वो एक कल्याणकारी राज्य है जी कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है उसमें राज्य की बहुत सी स्कीम होती है जी, समाज के कमजोर वंचित वर्ग के लिए उन योजनाओं हम देखते हैं कि उन योजनाओं का लाभ यदि कोई व्यक्ति पात्र हितग्राही है जी, और ऐसे व्यक्ति को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है जी, तो इन योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए हम उस पात्र हितग्राही के साथ खड़े होते हैं और हमारा सिर्फ उद्देश्य होता है कि किसी भी व्यक्ति को यदि वो पात्र है तो शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त होना चाहिए देखिए सरकार की जो कल्याणकारी राज्य के नाते बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो गरीबी उन्मूलन से संबंधित हैं विशिष्ट रूप से ऐसी योजनाओं के लिए हमारा यह प्रयास होता है यदि कोई व्यक्ति योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है और सक्षम प्राधिकारी के द्वारा उस योजना का लाभ उसे नहीं दिलाया जा रहा है तो यहाँ पर डालका डालसा की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है और हमें सुनिश्चित करते हैं कि वो इस पात्र हितग्राही को इस तरह की योजनाओं का लाभ मिले और ऐसे कोई भी व्यक्ति मैं अनुरोध करना चाहूँगा कोई भी व्यक्ति जो शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए एक निर्धारित योग्यता की पूर्ति करते हैं और इसके बाद भी किसी सक्षम प्राधिकारी के द्वारा उन्हें उन योजनाओं का लाभ किसी कारण से नहीं दिया जाता है तो आप जिला संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संबंधित तहसील विधिक सेवा समिति में संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर पर हमको बता सकते हैं उसके अलावा नालसा का एक मोबाइल ऐप है उसके माध्यम से भी आप हम तक पहुंच कर सकते हैं और निश्चित रूप से संबंधित प्राधिकरण या तहसील विधिक सेवा समिति ऐसे मामलों में आपकी आ, उचित मदद करेगी जी सर टोल फ्री नंबर यदि कोई करना चाहे तो कहाँ उपलब्ध हो हाँ, टोल फ्री नंबर हमारा वेबसाइट पर है जी और संबंधित जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उनसे संबंधित होते हैं जी तो वहाँ से भी आदमी जो है कोई भी व्यक्ति जो है संपर्क कर सकते हैं हमसे जो है जी दर्शकों जैसा कि अभी हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि यदि कोई शासकीय योजना के लिए आप पात्र हैं और किसी वजह से कोई आपको वो उस पात्रता का लाभ नहीं दे रहा है या आपको कोई परेशान कर रहा है देने में तो आप जिला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता ले सकते हैं वो आपकी पूरी मदद करेंगे सर अभी हमने देखा कि सभी वर्गों के लिए कोई ना कोई योजनाएं हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की और कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित ना रहे इसलिए सभी को इसमें शामिल किया गया है अगर हम बात करें कि जो तृतीय लिंग समुदाय एवं सेक्स वर्कर हैं उनकी बेहतरी के लिए क्या कोई प्राधिकरण द्वारा कार्य किया जा रहा है आ, पिछले दो दो साल से मैं देख रहा हूँ जब भोपाल में मेरी पदस्थापना हुई जी तो तृतीय लिंग समुदाय एक हमारे समाज का बहुत ही वंचित वर्ग है जी, और ये जो वर्ग ऐसा है कि इसको समाज की मुख्य धारा में लाना समाज के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कल्याणकारी राज्य के नाते राज्य की जो योजनाएं हैं गरीबी उन्मूलन योजना है स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं हैं पेंशन संबंधी जो योजनाएं हैं मेरा ये सोचना है कि तृतीय लिंग समुदाय भी इन सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने का पूर्णतः हकदार है यदि वो उस योजनाओं को प्राप्त करने के लिए पात्र है बिल्कुल इसी तरह की स्थिति हमारे सेक्स वर्कर के साथ है जी। वो उनको भी शासन की कल्याणकारी राज्य के नाते जो योजनाएं हैं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है जी तो समाज के प्रत्येक वर्ग का ये सामूहिक एफर्ट होना चाहिए कि ऐसे लोगों को हम समाज की मुख्य धारा में लाएँ और उन्हें समाज की राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाए भोपाल में हमने एक प्रयास किया है और राज्य स्तर पर भी ये प्रयास जारी हैं कि तृतीय लिंग समुदाय ट्रांसजेंडर के लिए जी। सबसे पहले आधार कार्ड राशन कार्ड और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिलने वाले राशन उनको मिले यह सुनिश्चित किया जा रहा है इसके साथ साथ जो सेक्स वर्कर हैं उनके वेलफेयर के लिए भी हमारा उद्देश्य ये है हमारा प्रयास ये है कि उनको भी आधार कार्ड मिले जी। और उस आधार कार्ड को बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है उनको अपना व्यवसाय नहीं बताना होगा जी। और सक्षम प्राधिकारी उसके लिए उनको कंपेल भी नहीं कर सकता है जी। और हम हमारा प्रयास ये है कि उनकी जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए क्योंकि एक बार जब उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती है जी तो समाज में जीवन यापन करना रहना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है बिल्कुल सही तो सही बात कही आपने हम हमारा ये उद्देश्य है हमारा ये प्रयास है कि ट्रांसजेंडर और सेक्स वर्कर ये समाज के ऐसे वर्ग हैं कि इनकी उत्थान के लिए इनको धारा में लाने के लिए हम सभी का सामूहिक प्रयास होना चाहिए राज्य अपने स्तर पर जो कर रहे हैं जो किया जा रहा है जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो अपनी जगह पर हैं उनका भी लाभ हमको इनको दिलाना चाहिए लेकिन हमारा आपका भी कुछ नैतिक और विधिक दायित्व होता है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा शासन की कल्याणकारी राज्य के नाते जो योजनाएँ हैं उनका लाभ दिलाया जा रहा भोपाल में और अन्य जिलों में भी जो है ये लोगों को चिन्हित कर और उनको योजनाओं का लाभ दिलाया सर... उनको भी इसमें रोल प्ले करना है। शासन अपनी से प्रयास कर रहा है सफल <coughs> होगा जब समाज इसमें सहभागिता करेगा बिल्कुल और वो इसमें सहयोग करेगा सर गवाह सुरक्षा योजना क्या है और कोई भी पीड़ित पक्ष इसका लाभ कैसे ले सकता है हम देखते हैं मैडम आपराधिक प्रकरण दर्ज होता है तो हमारे जो पीड़ित पक्ष हैं और विशिष्ट रूप से यदि मैं कहूँ कि जब सेक्सुअल अफेंस होते हैं तो उनमें जो पीड़ित पक्ष होते हैं उनको जी. तरह तरह से धमकियाँ दी जाती हैं गवाहों को डराया धमकाया जाता है तो गवाह सुरक्षा योजना एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत गवाहे को क्या किस तरह की धमकी दी जा रही है जी, और उस धमकी के निवारण के लिए किस तरह की सुरक्षा का इंतजाम किया जाना है कि ये संबंधित जिले के प्रधान जिला विश्व न्यायाधीश सुनिश्चित करेंगे गवाह सुरक्षा योजना के अंतर्गत एक समिति है समिति में जो अध्यक्ष हैं प्रधान जिला विश्व न्यायाधीश उसके अध्यक्ष हैं पुलिस प्रमुख संबंधित जिले के और जिला दंडाधिकारी ये उसके सदस्य हैं और अभियोजन के जो प्रमुख वो मेंबर सेक्रेटरी हैं किसी व्यक्ति को इस तरह की यदि कोई समस्या है जी। तो संबंधित जिले में अभियोजन शाखा में जाकर अपना आवेदन दे सकते हैं और यदि वो व्यक्ति चाहे तो संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भी इस तरह का आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में ये गवाह सुरक्षा योजना के संबंध में डायरेक्शन दिए गए हैं और प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि जो डायरेक्शन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए हैं उनका कड़ाई पूर्वक पालन सुनिश्चित किया जाए और गवाह सुरक्षा योजना एक जा। जा। ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत गवाहों को पर्याप्त सुरक्षा मिल सकती है क्योंकि उस उस समिति के प्रमुख जो है प्रधान जिला विश्व न्यायाधीश है इसलिए मैं लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा इस तरह की यदि आपको कोई समस्या है आप किसी मामले में पीड़ित पक्ष हैं गवाह हैं और किसी अपराधी के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपको डराया दिया जा रहा है धमकाया जा रहा है तो संबंधित जिला विश्व न्यायालय में आप पहुँचें या संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पहुँच आप मदद प्राप्त कर सकते हैं दर्शकों जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि यदि किसी केस में आपके ऊपर कोई दबाव बनाया जा रहा है गवाही देने में आपको रोका जा रहा है या किसी तरह का कोई विलम्ब धमकी दी जा रही है तो आप वहाँ के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जो वहाँ प्रमुख जिला प्रधान जिला न्यायाधीश के सामने अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं उनके पास जाके आप बता सकते हैं कि आपके साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं वहाँ से आपको पूरी सुरक्षा प्राप्त होगी और आपके साथ जो भी होगा वो पूरा न्याय किया जाएगा सर जैसा कि लोकोपयोगी सेवाओं के संबंध में एक स्थायी लोक अदालत गठित की गई है तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि लोकोपयोगी सेवाएं क्या हैं और इनके लिए जो स्थायी लोक अदालत है वो कब आयोजित होती है आ, लोक उपयोगी सेवाओं के लिए प्रत्येक जिले में जी स्थायी लोक अदालत का गठन किया गया है जी जिसमें जिला न्यायाधीश और जो सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है वो उसके अध्यक्ष होते हैं उसमें दो सदस्य होते हैं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पी डब्ल्यू डी एक पीठ का गठन है और इस पीठ के माध्यम से एक सरल सी प्रक्रिया है एक सिंपल सा आवेदन देना है और इसके अंतर्गत लोग दिन प्रतिदिन जो समस्याओं से लोग जूझते हैं नगर निगम से संबंधित जो समस्याएं हैं बिजली है पानी है रोड है हेल्थ इंश्योरेंस है जी, और जो अपना वाहन आप जो है ट्रैवल से संबंधित जो समस्याएं हैं, छोटे छोटे जो मामले हैं इनका निराकरण आप लोकल स्तर पर जिला स्तर पर जो है एक सेवाओं के माध्यम से करा सकते हैं और okay. सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जूर <coughs> एक करोड़ रुपए है और okay. इसमें कोई न्यायालय शुल्क आपको नहीं देना है बहुत बहुत अच्छी अच्छी बात कही जी और एक सुलभ सुविधा है ये कि आपको किसी न्यायिक प्रक्रिया में नहीं उलझना है सरल प्रक्रिया से समस्या का समाधान होगा सर लीगल एंड डिफेंस काउंसिल ये एक शब्द अभी सुनने में आ रहा है क्या है इसके अंतर्गत क्या चीजें आती हैं मैडम मैंने पहले जैसे अभी हमने चर्चा हुई हमारी आपकी जी, कि ये हमारा संवैधानिक भावना है जी, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है जी, कि लोगों को निशुल्क और सक्षम विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए निशुल्क तो हम काफी पहले से दे रहे हैं प्रश्न ये था बार बार ये प्रश्न उठाया जा रहा था कि सक्षम विधिक सहायता तो उपलब्ध हो रही है या नहीं हो रही है जी। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लीगल एड डिफेंस काउंसिल के माध्यम से संपूर्ण देश में कुछ जिलों का चयन किया गया है जी। जहां पर पूर्ण रूप से विधि व्यवसायी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ संलग्न होकर जी। जो गरीब वंचित असहाय लोग हैं उनके मामलों में आपराधिक मामलों में पैरवी करेंगे अपील आपराधिक अपीलों में उनका पक्ष रखेंगे बेल रिमांड संबंधी मामलों में जो है पक्ष रखेंगे इसके साथ साथ हमारे जो बंदी जो जेलों में बंद हैं उनके लिए भी सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश अनुसार लीगल एड डिफेंस काउंसिल वहाँ जाकर उनकी समस्याएं सुनेंगे प्री अरेस्ट प्रोटोकॉल का पालन करवाएँगे गरीबी उन्मूलन योजनाओं का यदि प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो रहा है तो ये प्रभावी क्रियान्वयन में भी उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी तो ये ये जो लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के माध्यम से हमारे पास पूर्णकालिक कुछ अधिवक्ता होंगे और इंटरव्यू के माध्यम से उनका चयन किया जा रहा है और फुल टाइम होने से फ़ायदा ये है कि हमारे पास जो लोग आते हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में लोगों को कानूनी मदद देंगे उनकी समस्याओं को सुनेंगे न्यायालय में जो मामले उनके चल रहे हैं आपराधिक मामले उन मामलों में उनकी मदद करेंगे प्री अरेस्ट प्रोटोकॉल में भी पता चलता है किसी व्यक्ति को परेशान किया गया है अनावश्यक ऐसे सब मामलों में जो है वो लोगों की मदद करेंगे जी सर एक चीज़ और इससे सवाल से निकल कर आ रही है कि ये जो आपकी काउंसिल होगी एडवोकेट्स की जो एक पैनल होगी तो इसमें क्या वो दोनों ही जैसे शासन की तरफ से एडवोकेट पैरवी करते हैं तो उनके साथ ये भी करेंगे पीड़ित पक्ष की ओर से जो आरोपी है दोनों तरफ के लिए इनको किया जाएगा या ये किस, किसी एक पक्ष के लिए मैम जैसा इसके नाम से है कि लीगल डिफेंस काउंसिल मुख्य रूप से डिफेंस काउंसिल है जी आरोपी के लिए यदि कोई गरीब असहाय व्यक्ति किसी प्रकरण में आरोपी के रूप में है जी, तो पीड़ित पक्ष के लिए ये योजना अभी नहीं है जी ये योजना जो है डिफेंस काउंसिल मतलब अभियुक्त की तरफ से वो जो अपना पक्ष रखेंगे जे? क्योंकि उसको ऑलरेडी है शासन शास। का पूरा तंत्र है, है ना तो ये विशिष्ट रूप से लीगल एंड डिफेंस काउंसिल है जैसा की इसके नाम से लगा के डिफेंस काउंसिल जी बिल्कुल और स्पष्ट हो गया आपने उसको क्लियर कर दिया की वो योजना किसके लिए है सर पीड़ित प्रतिकर योजना क्या है इसके अंतर्गत क्या कार्य किए जाते हैं जैसे मैंने पूर्व में कहा कि ये जो अपराध जी ये सब राज्य के विरुद्ध में है और राज्य का दायित्व कि उसके नागरिकों को बेहतर सुरक्षा बेहतर स्वास्थ्य ये सब चीजें प्रदान करें जी जब कोई व्यक्ति किसी अपराध का पीड़ित होता है जी। तो अपराधी के विरुद्ध में सक्षम न्यायालय में केस चलाया जाता है लेकिन इसके साथ साथ आप देखें कि आरोपी को सजा भी हो जाती है मान लीजिए मान लीजिए प्रकरण में गवाही सही हुई है सब कुछ अच्छा हुआ है जी। और आरोपी को सजा हुई इसके बाद भी हम देखते हैं कि जो पीड़ित पक्ष है जी। उसको अपराध के फलस्व कुछ ना कुछ हानि होती है उसको या उसके परिवार के सदस्यों को तो ये राज्य का दायित्व है कि अपराध के फलस्वरूप उसको जो हानि हुई है उसकी प्रतिपूर्ति करे जी। ये इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपराध पीड़ित प्रतिक्रिया योजना बनाई गई है जिसमें अपराधों का वर्गीकरण है कि किस अपराध में कितना प्रतिकर प्रदान किया जाएगा संबंधित न्यायालय निर्णय करते समय अनुशंसा करते हैं वो अनुशंसा के बाद एक संक्षिप्त सी जो है उसमें जिला प्रधिक प्राधिकरण जाँच करता है जी। और इसके बाद जो है वो जो राशि या प्रतिकर राशि वो प्रदान की जाती है जी। सर अभी हम चर्चा कर रहे हैं जिले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं पर हम बात करें मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की तो क्या इसकी योजनाएं भी यही है या इसमें और कुछ अलग हट का कर हाँ देख एक तो जैसे विधिक सहायता योजना है हमारी जो है मध्य प्रदेश में जो है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं की बात करें विधिक सहायता सलाह योजना है जी पारिवारिक विवाद समाधान केंद्र योजना है जिला विधिक परामर्श केंद्र योजना है योजना है विवाद विहीन ग्राम योजना है श्रमिकों के विरुद्ध अपराध प्रकोष्ठ योजना है जी। महिला बाल सुरक्षा इकाई योजना है मानसिक रूप से अस्वास्थ और निसर्जन हेतु चलाई जाने वाली जो है विधिक सहायता योजना है जो मुख्य रूप से हमारे राज्य प्राधिकरण की योजना है जिनका लाभ जो है संबंधित पक्ष जो है जी। जिला विधेयक सेवा प्राधिकरण या तहसील विधिक सेवा समिति में पहुँच कर प्राप्त कर सकते हैं सर मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में तो हमें जानकारी मिल गई अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की, जी, की। जी। क्योंकि ये थ्री सिस्टम है तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की कौन कौन सी योजनाएं हैं और क्या कार्यक्रम है उनके <coughs> वर्तमान में जो मुख्य योजनाएं मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूंगा जी आपदा पीड़ितों के लिए एक विधिक सेवा योजना है जी ऐसे व्यक्ति जो किसी आपदा से पीड़ित है जी और उनके किसी अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या कोई समस्या है तो इस योजना के अंतर्गत वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं जी। दूसरी योजना है तस्करी वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना ये इस पर मैं थोड़ा सा विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहूँगा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये बड़ा ही संगठित अपराध है जी। और अभी हमारे पास एक ला नहीं है लेकिन 370 भारतीय दंड संहिता की धारा 370 सौ सत्तर, सत्तर जी, इस संबंध में दो हजार तेरह में लाई गई है जी। लेकिन आए दिन हम आए दिन हम अखबारों पढ़ते हैं जी सर समय का जी, में जी, 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 सर समय का में तो मैं ये कहूंगा कि इस तरह के अपराधों के लिए हम समाज को जो है जी, ए, एक जागरूक होने की जरूरत है क्योंकि ये अपराध जो ऐसे छोटे छोटे बच्चों के साथ हो रहे हैं बच्चों के साथ हो रहे हैं तो इस तरह के यदि कोई व्यक्ति आते हैं तो निश्चित रूप से उनको भी हम जो है ना निःशुल्क सहायता प्रदान कराते हैं और उनको जो है हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराते हैं फिर जो श्रमिक हैं जो अनाउनाई सेक्टर के बच्चे हैं बच्चों के लिए मैत्रीपूर्ण सेवाएं हैं अभी स्कूल बैग पॉलिसी को लेकर हमने जो है एक प्रयास किया था और इसी योजना के अंतर्गत किया था हमने ये भोपाल में मैंने देखा कि एक प्रतिष्ठित अखबार में एक साय न्यूज प्रकाशित हुई थी कि जो है बच्चों का स्कूल बैग बहुत भारी है उसको लेकर जो है प्रयास किए तो इसके अंतर्गत तो उनको जी सर बहुत बहुत, जी, 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद समय का है हमें कार्यक्रम को यही विराम देना होगा बहुत बहुत धन्यवाद आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और हमारे दर्शकों को इससे काफी लाभ होगा दर्शकों जैसा कि आज के कार्यक्रम में हमने देखा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राष्ट्रीय सभी की बहुत सारी योजनाएं हैं जरूरत है जागरूक होने की अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी तब तक लिए आगे दीजिए नमस्कार